इसमें मेवात के जो लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो भी ये नहीं चाहते कि माहौल खराब हो। वो भी यही चाहते हैं कि मेवात में जो माहौल है वो भाईचारे का वो बना रहे। मेरा नाम समय सिंह है, मैं गांव सलम्बा का मूल बासिंदा हूं और हिंदू हूं, मुसलमान नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि मेवात में अब धार्मिक यात्रा लेकर आए तो ये मेवात के मुस्लिम लोग इनका स्वागत करेंगे, लेकिन ये जो यात्रा के नाम पर शक्ति प्रदर्शन करते हैं और ऐसे डीजे बजाते हैं कि राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, ऐसा कोई धार्मिक आदमी बोलता है क्या? एक्चुअली दिक्कत शोभा यात्रा से नहीं है मेवात को, और ना पहले थी और ना कभी होगी। दिक्कत सिर्फ मेवात वासियों को जो है उन लोगों से है जो इस शोभा यात्रा के नाम पर बाहर के जो उपद्रवी लोग जो आते हैं और जो मेवात के माहौल को ख़राब करने की बात करते हैं। जो अभी हाल फिलहाल में ये घटना घटी है, कुल अभी 15 दिन हुए और उसके बाद तुरंत से उसी माहौल में उस तरह की यात्राएँ, पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर होती है तो कम से कम पुलिस प्रोटेक्शन पूरी तरह से उनको होनी चाहिए और सरकार का पूरा बंदोबस्त उसमें होना चाहिए, क्योंकि अभी ताज़ा फिलहाल घटना है तो लोगों में कहीं ना कहीं डर भी है, खौफ भी है और एक तरह से दुख भी है जो ये घटना घटी है इसको लेके। जहाँ आप खड़े हैं, आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये दिल्ली से आने वाला रोड है जो गुजरता है पूरे मेवात से। इस पर अभी सावन चल रहा, तो अभी पिछले महीने कांवड़ियों की यात्रा निकली है। हरिद्वार से जल लेकर लाखों लोग इस रोड से गुजरते, पूरी मेवात को क्रॉस करते हैं। एक भी कांवड़ी के साथ कभी गाली गलौच या कोई डंडा मारना या किसी प्रकार की भी कोई ऐसी मतलब एपिसोड हमने सुना नहीं है। तो ये डर तो है ही कि भाई यहाँ दोबारा से कहीं ऐसा माहौल ख़राब ना हो, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए थे और प्रशासन था ही नहीं, और फिर यहाँ के लोगों ने इस तरह के नारे लगाए, लोगों को उकसाया, हाथों में तलवार डंडे लेकर इस तरह ये अपनी रैली निकालते हैं। कोई शांतिपूर्वक तो आते नहीं ये लोग। हम तो ये तो कहेंगे सर, हमारी यात्रा निकलनी चाहिए दोबारा से, बिल्कुल। देखो जो जिसने कर दिया, जो सर कर दिया, अब हम तो इस बात की नहीं कह सकते कि अब हमें तो इस बात की भी नहीं पता था कि कोई लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा। पर देखो जो अपना मजहब है वो अपना करे, जो हमारा मजहब हम अपना करें, बस उसमें कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिए। भी हमें थोड़ा सा इस बात की परेशानी है, अगर वो चेतावनी देते हैं या वीडियो छोड़ते हैं गाड़ी को उपचार बनाकर, तो हमें इस बात की परेशानी है कि दंगा दोबारा हो सकता है। हमें और परेशानी नहीं, अपनी यात्रा आरंभ करें, तसल्लीपूर्वक निकालें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे मुसलमान भाइयों को भी इस चीज़ की दिक्कत नहीं होगी अगर वो चेतावनी करेंगे नहीं तो, पहल नहीं करेंगे तो। कहने का मतलब ये है 31 जुलाई 2023 से आज 15 अगस्त है, आज तक मेवात के किसी भी गांव में किसी मुसलमान के द्वारा किसी हिंदू समुदाय के आदमी को थप्पड़ मारने की भी घटना घटित नहीं की गई है, गाली देने का भी मामला सामने नहीं आया। तो इसे सिद्ध हो रहा है कि मेवात का हिंदू ना खौफ में है ना मुसलमान खौफ में है। ये खौफ पैदा करने की साजिश की जा रही है लगातार।